हेलो, सब लोग प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? यस यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज रीजनिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, रीजन या रीजनिंग? क्या समझ में आता है इससे? हम रीजनिंग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई हम स्टेटमेंट्स देते हैं किसी चीज को लेकर कि व्हाई इट इज द वे इट इज, ऐसा क्यों है अच्छा, रीजन। व्हाट मैम, एल्स? लॉजिकल के बेस पे कुछ, मतलब कुछ बोलना के लाइक लॉजिक। ओके, हाँ, लॉजिक हम कुछ देते हैं। ओके, यस, कुछ लॉजिक दे सकते हैं, कुछ बात बता सकते हैं। सो इन दिस क्लास टुडे विल डिस्कस व्हाट इज रीजनिंग, व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ एरर इन रीजनिंग। विल आल्सो डिस्कस अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। सो रीजनिंग, द वर्ड रीजन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वर्ड रीजनिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? रीजनिंग इज एबिलिटी टू रीजन, ठीक है? रीजनिंग, रीजन करने की एबिलिटी को हम रीजनिंग बोलते हैं। बट रीजन क्या होता है? एक कैपेसिटी होती है बाय विच वी कैन कॉन्शियसली मेक सेंस ऑफ लाइक एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। वी कॉन्शियसली मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है? लाइक यू सेड, हम लॉजिक देते हैं, हम कभी कभी एविडेंस देखते हैं, राइट? बट बाय डूइंग ऑल दैट, वॉट वी डू, वी जस्ट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे आसपास इर्द गिर्द जो कुछ घटता है, हम उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें समझ आ सके। वी ट्राई टू रीजन आउट थिंग्स टू अंडरस्टैंड इट, राइट? और इसी एबिलिटी को हम रीजनिंग बोलते हैं। सो रीजनिंग इज द कॉग्निटिव एक्टिविटी इन विच वी ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रीच स्पेसिफिक कंक्लूजन, राइट? किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस कॉग्निटिव एक्टिविटी को हम रीजनिंग कह रहे हैं, राइट? सो इट इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस और गोल इन माइंड। इट इज अप्लाइड टू हाईली पर्पसफुल कंट्रोल्ड एंड सिलेक्टिव थिंकिंग। तो एक चीज है रीजनिंग में जो हाईलाइट की गई है, वो ये कि गोल डायरेक्टेड होती है रीजनिंग। आप वेगली रीजन नहीं करोगे, आपके पास कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना हाथ में, या कोई तो चीज होगी जिसके लिए आप रीजन दोगे, राइट? होगी, कुछ पर्पस होगा। सो थिंकिंग इज नॉट वेग हेयर, ऐसे डायरेक्शनलेस थिंकिंग नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग सिलेक्टिव थिंकिंग। सो दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई भी दो चीजों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, एक से दूसरी चीज कैसे हो रही है, वो सब हम रीजनिंग में डिस्कस करते हैं। सपोज एग्जाम में हमारा कोई एग्जाम छूट जाता है, तो हम घर आके रीजन देते हैं ना, पेपर बहुत लेंदी था इसलिए एग्जाम छूट गया, ठीक है? तो यस क्या कर मैम, रहे हैं यस हम? मैम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दे रहे हैं ना, कि जो हुआ उसका क्या कॉज था, तो हम कुछ रीजन देंगे उसके लिए। इट मे बी द प्रिडिक्शन ऑफ एन इवेंट फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड कॉज और द इन्फरेंस ऑफ अ कॉज फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड इवेंट। तो ऑब्जर्व इवेंट था कि पेपर छूट गया, इन्फर कर रहे हैं पेपर लेंदी था, पेपर छूट गया इसलिए हम कह रहे हैं कि पेपर लेंदी था, राइट? और कभी कभी हम उल्टा भी करते हैं कि मतलब अगेन वही है, इवेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्व्ड कॉज से, ठीक है? जैसे कि हमने कहा अरे पेपर तो बहुत लेंदी है, तो पेपर छूट भी सकता है, रिवर्स इट कैन ऑल्सो बी डन, दोनों कैटेगरी में लेकिन रीजनिंग अप्लाई हो रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग कैन बी फॉर्मल और इट कैन बी एवरीडे रीजनिंग। फॉर्मल रीजनिंग जो होती है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, राइट? यू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन हैंड एंड यू हैव अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इन हैंड, वेरी स्पेसिफिक,
ठीक है, दैट इज फॉर्मल रीजनिंग. एक स्पेसिफिक मेथड आप फॉलो करते हो उस रीजनिंग के लिए, लॉजिकली जाते हो. लेकिन एवरीडे रीजनिंग थोड़ी सी सब्जेक्टिव भी हो सकती है. काइंड ऑफ थिंकिंग वी डू इन अ डेली लाइफ, प्लानिंग कर रहे हैं, कमिटमेंट्स दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है. एवरीडे रीजनिंग फॉर्मल रीजनिंग के मुकाबले में इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है. तो फॉर्मल इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ए टू बी, है ना, ए इवेंट लीड्स टू इवेंट बी. अगर मैं बोलूं मैं परेशान हूं, उसके रीजनिंग का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट? यू कैन गिव नंबर ऑफ एन रीजंस, नंबर ऑफ वेग रीजंस, राइट? Several factors can reduce our ability to reason effectively. So now we'll learn about certain sources of error. Reasoning करने में क्या error आ सकते हैं? So number one is role of mood state. Then we'll discuss role of our belief, the confirmation bias, the hindsight bias, and then the halo effect. So role of mood state is about your own mood. तो जब हम बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं ना, जब आपको बहुत खुश हो या बहुत गुस्से में हो तो कोई decision नहीं लेना चाहिए. क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बहुत अच्छे मूड में या बहुत खराब मूड में होते हैं तो हमारी रीजनिंग एबिलिटी कम हो जाती है, हम सही तरीके से सोच विचार नहीं कर पाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी हुई थी डन बाय ओस्फोर्ड एंड द कलीग्स 1996. तो व्हाट दे डिड, दे यूज ब्रीफ फिल्म क्लिप्स टू इंड्यूस ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मूड पार्टिसिपेंट्स में, ठीक है? तो उन्होंने फिल्म क्लिप्स दिखाई बच्चों को. फॉलोइंग द मूड इंडक्शन, अब जैसा मूड इंड्यूस हुआ, किसी में पॉजिटिव मूड हुआ, किसी में नेगेटिव हुआ, ठीक है, न्यूट्रल हुआ, तो उस मूड के हिसाब से पार्टिसिपेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मूड इंड्यूस करने के बाद. तो द पार्टिसिपेंट इन द पॉजिटिव मूड स्टेट, positive mood state were less effective in solution problems, solution solving problem. तो जो participants में ना बहुत ही positive mood induce कर दिया था, वो problem solving अच्छे से नहीं कर पा रहे थे as compared to other groups, right? This was effect of mood. Reasons is also influenced by emotion laden belief. अब आता है belief का role. हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी हमारे रीजंस को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये मानना है कि किसी को डेथ पेनल्टी मिलना सही नहीं है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, राइट? कि किसी को भी डेथ पेनल्टी मिलना सही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, राइट? सो कोई हमें कितना भी आके कन्विंस कर ले, कितना भी आके लॉजिक दे दे, भाई अगर कुछ बुरा हुआ है सोसाइटी में किसी की वजह से, या कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि सोसाइटी में वो चीजें ना हो, दोबारा रुक जाए, राइट? तो बट अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप बात किसी की सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आप अपने बिलीफ से रीजनिंग कर रहे हो. आपका रीजनिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम. तो यू रिजेक्ट द कंक्लूजन, कोई कुछ भी आके कंक्लूड करे, यू रिजेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिचुएशन, रियल सिचुएशन ये हुई थी व्हेन कसाब वाज अबाउट टू गेट कन्विक्टेड. कसाब को डेथ पेनल्टी मिली थी ना, तो आई स्टिल रिमेम्बर एट दैट टाइम लाइक लॉट ऑफ डिबेट्स वर गोइंग ऑन. फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ था एट दैट टाइम. कोई कह रहा था ये होना चाहिए, कोई कह रहा था ये नहीं होना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन लॉ, इस तरह he was a terrorist and this should be done. So there were two groups of people. So again, they all were driven by their belief system. Their reasoning were also driven by their belief system. So what happened? Beliefs में क्या होता है? हम generally सामने वाले की बात को अपनी belief system के हिसाब से mold कर लेते हैं, right? Then we have confirmation bias. Confirmation bias is very simple. हम सबकी एक टेंडेंसी होती है, अगेन जो हमारा बिलीफ है, जो व्यू है, हम उन्हीं चीजों को ज्यादा अटेंशन देते हैं जो हमारे बिलीफ के साथ मैच करती है, और जो चीजें हमारे बिलीफ के अगेंस्ट जाती है हम उनको इग्नोर कर देते हैं. हमें अपनी रिसर्च में हमें अक्सर
हम देखने को मिलता है रिसर्च में कि अगर हमें रिव्यू करना है, पेपर रिव्यू करने हैं, तो जो रिव्यू पेपर हम जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है उसको मैच कर रहे हैं उसको तो उठा लेंगे, लेकिन जो रिव्यू पेपर उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं हम उनको इग्नोर कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, राइट? तो दिस इज कंफर्मेशन बायस. सो व्हाट इज ऑलरेडी देयर, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को आपको सिंक में जाएगा, हम सिर्फ उसी को मानते हैं, उसी को सच मानेंगे, ठीक है? और ऐसी ही चीजों की तरफ हमारा ध्यान भी जाएगा, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहता है रीजनिंग के अंदर, राइट? सो वी जस्ट रिमेम्बर द डिटेल्स जो हमारे बिलीफ को मैच कर रही होती हैं, और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं. सो अगेन, दिस इज व्हाट वी बिलीव, दिस इज व्हाट द फैक्ट सेज, एंड ओवर वैल्यूड इंफॉर्मेशन. और हम सिर्फ इस पे विश्वास करते हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स हमारे बिलीफ से मैच होते हैं, हम सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं. तो दिस इज कंफर्मेशन बायस. अगेन, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रिसर्च में हम ये चीजें बहुत ज्यादा करते हैं. वी जस्ट ओनली रिसर्चेस जो हमारे हाइपोथेसिस को कंफर्म करें. देन वी हैव हिंडसाइट बायस. हिंडसाइट बायस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए लोगों को, या खुद भी हम कई बार कहते हैं, मुझे पता था ऐसा होने वाला है, ये तो होना ही था, होता है ना? तो ये हिंडसाइट बायस होता है हमारा, कि वी जस्ट ओवर एस्टिमेट द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एन आउटकम विच कुड नॉट हैव बीन पॉसिबली प्रिडिक्टेड. पहले तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लाइक वी आर लाइक वेरी प्रो, मुझे तो पता था ऐसा होने यस वाला मैम, कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद, हाँ मुझे तो पता था ऐसा, मुझे कुछ इंटेंशन ऐसी आ रही थी कि ऐसा होगा है. ये हाँ रिलेट करके. हाँ हाँ तब हम बड़ी श्योरिटी के साथ बोलते हैं, क्योंकि हो चुका होता है ना. तो ये हिंडसाइड बायस होता है हमारा. वी एज्यूम दैट वी वुड हैव बीन अ बेटर एट प्रिडिक्टिंग एक्चुअल इवेंट एज देन इज रियली ट्रू, ठीक है? इसके तीन लेवल होते हैं हिंडसाइड बायस के. वन इज आई न्यू दैट वुड हैपन, मुझे तो पता था ऐसा होगा. अनदर लेवल इनएविटेबिलिटी, मतलब जब कोई चीज ऐसे लगता है ना हमें, अरे ये तो होना ही था, इट हैड टू हैपन, ठीक है, ये तो होना ही था. देन मेमोरी डिस्टॉर्शन, आई सेड दैट वुड हैपन, मैंने कहा था ना ऐसा होगा. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल लेवल्स बिल्कुल है बिल्कुल मैम, ना, ऐसे होता है ना. इसको सो गट अगेन, फीलिंग बोल सकते हैं? हाँ बट डोंट यूज दिस वर्ड एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि हाँ गट फीलिंग को, क्योंकि हम कई बार इंट्यूटिव फीलिंग के साथ भी जोड़ते हैं ना, राइट राइट राइट? और यहाँ पे हम बायस की बात कर रहे हैं कि इसके वजह से हमारा रीजनिंग इफेक्ट हो जाता है. सो इसको हम बोलते हैं आई न्यू इट ऑल अलोंग फिनोमिनल. ये जो पहला लेवल पढ़ा हमने ना ऊपर अभी, दैट वुड हैपन, इसको हम बोलते हैं आई न्यू इट ऑल अलोंग फिनोमिनल, मुझे तो पता ही था, ठीक है, सॉरी आई सेड इट वुड हैपन. देन सेकेंड लेवल इज इनएविटेबिलिटी वाला, कि इट हैड टू हैपन, ये तो होना ही था. एंड थर्ड लेवल इज आई न्यू इट वुड हैपन, मुझे पता था ये होगा, सॉरी. और ये जो पहला वाला यहाँ पे था वो आई सेड ये होगा, ठीक है, एक मेमोरी से रिलेटेड है, सेकेंड लेवल इनएविटेबिलिटी से रिलेटेड है, और थर्ड लेवल प्रिडिक्टिबिलिटी से रिलेटेड है, प्रिडिक्शन से, फोर साइटेडनेस. हम पहली भाप गए कि ये तो होने वाला था. एक है कि मेमोरी से रिलेटेड है, डिस्टॉर्टेड मेमोरी है आपकी उसके बारे में, कोई ओपिनियन है, कोई जजमेंट है, ठीक है, क्लियर है ये? सर देन वी हैव हैलो इफेक्ट. दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग. हैलो इफेक्ट में क्या करते हैं, हम किसी एक ट्रेट को पकड़ते हैं पर्सन के, एंड उस ट्रेट के थ्रू पूरा ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इन योर नेबरहुड अभी कोई आया है नया 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 रेंट पे कोई आया है, ठीक है, यू हैव सीन अ गर्ल इन अ साड़ी, लेडी, बेसिकली यू हैव सीन अ लेडी इन साड़ी, और अब हेलो इफेक्ट शुरू होता है. वाई? बिकॉज आपकी उस लेडी से बात हुई, शी वॉज बिहेविंग जेंटली नाइसली, ठीक है, अच्छे से बात करी. नाउ यू फिगर्ड आउट इन योर हेड एवरीथिंग अबाउट दैट लेडी. वाई? बिकॉज शी वॉज ड्रेस्ड वेल इन अ ट्रेडिशनल साड़ी एंड एवरीथिंग, तो आपने एक पिक्चर बनाई माइंड में दैट शी
माइट बी अ टीचर और लेक्चरर, या फिर हो सकता है उसने बता दिया आपको, वो पढ़ाती है एंड देन यू मेक फर्दर जजमेंट्स माइंड में दैट शी इज वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन, पूजा पाठ कर बहुत ऑनेस्ट है और घर पे भी सबका ध्यान रखती है, किसी से लड़ाई नहीं करती है. तो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, एक ट्रेड को पकड़ के यू आर मेकिंग एन ओवरऑल जजमेंट अबाउट दैट पर्सन, एक ट्रेड को पकड़ के. और ये बहुत कॉमनली होता है, किसी कोई सी एक इंसान को आप जानते नहीं हो बट आपने उसको कभी किसी से झगड़ते देख लिया है, अब आपने अपने दिमाग में पिक्चर बना लिया, अरे ये तो बहुत झगड़ालू इंसान है, बहुत लड़ाई करता है, किसी से मतलब बात अच्छे से नहीं करता है. तो एंड यू जस्ट ओवर एग्जैजरेट इन योर हेड एंड यू डोंट इवन नो कि भाई किस बात पे लड़ाई हो रही थी, हो सकता है वो सही बात के लिए लड़ रहा हो, राइट? बट यू जस्ट क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड एंड दिस इज हेलो इफेक्ट. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, सो अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. Attractive people are perceived to be smarter, funnier, more likable than less attractive people. तो अगर कोई बहुत ही attractive लग रहा है, well dressed है, तो हमें लगता है वो ज़्यादा smart है, ज़्यादा intelligent है, ज़्यादा funny है, right? These are example of halo effects only. Ma'am, इसे stereotype से हम connect कर सकते हैं क्या? कि it's different. हाँ, नहीं connect कर सकते हैं समझने के लिए. Okay. Then we have deductive reasoning. Like reasoning has two main types, deductive and inductive. So do you have already some idea what is deductive and inductive? Yes ma'am, in deductive reasoning, जब हम किसी general statement से एक specific statement पर बात करते हैं, deductive reasoning में कोई जनरलाइज है और उससे हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग में. इंडक्टिव रीजनिंग में हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट में पहुंचना. राइट, वेरी गुड. सो डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक पे जाएंगे और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज, इफ इट इज रेनिंग, यहाँ पे दो प्रिमाइसेस दिए हैं. ठीक है, If it is raining, I'll take an umbrella. और दूसरा premise है it is raining. ठीक है, C conclusion है therefore I'll take an umbrella. Umbrella. Right? ऐसे questions करते हो ना आप syllogism में अपने. Yes ma'am. तो ये deductive approach होती है, deductive reasoning approach है ये, जहाँ पे अगर premises true है तो conclusion भी true होगा. True होगा. Right? So this is part of your deductive reasoning. So some theories of deductive reasoning assume that we operate like intuitive logicians, यानी कि logics involved रहते हैं ज्यादातर जब हम deduction करते हैं, तो we just try to put some logical rules there, right? But हर deductive reasoning logically हो ये भी जरूरी नहीं है. There are at times जब हमारे logics fail हो जाते हैं but फिर भी वो deductive reasoning होती है. ठीक है, तो कभी कभी एक तो हुआ logic के ऊपर based, दूसरा point है content. आपके जो प्रपोजिशन का कंटेंट है ना, जो सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, उस कंटेंट पे भी कभी कभी हमारा डिडक्टिव रीजनिंग डिपेंड करता है, कंटेंट. अब फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कैसे. दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वेसन सिलेक्शन टास्क विच वॉज डन इन 1968. ओके, दिस वॉज अ टास्क गिवन टू पार्टिसिपेंट्स. हेयर यू कैन सी देर आर फोर कार्ड्स. दो कार्ड पे अल्फाबेट न्यूमरल है, नंबर, राइट? नाउ देयर वाज अ क्लेम. ठीक है, क्या क्लेम था? इफ अ कार्ड हैज अ वॉल ऑन वन साइड देन इट हैज एन इवन नंबर ऑन द अदर साइड. यानी कि अगर आपके सामने कोई वॉवल आता है ए ई आई ओ यू, इनमें से अगर कोई आता है तो उस कार्ड के पीछे की तरफ, सामने अगर वॉवल है तो पीछे की तरफ कोई इवन नंबर होना चाहिए. ये क्लेम है. अब इस क्लेम को चेक करना है पार्टिसिपेंट ने. ठीक है, तो कौन कौन सा कार्ड इसमें से चेक करेगा पार्टिसिपेंट टू कंफर्म दिस क्लेम, बताओ?
आप बताओ, अगर आपको ही मैं सेम टास्क दे रही हूँ, दीज आर दीज फोर कार्ड्स और क्लेम ये है, वॉवल के पीछे इवन नंबर होना चाहिए, इस क्लेम को आपको बताना है कंफर्म करके थ्रू दीज फोर कार्ड्स, तो आप कौन से कार्ड को पलट के देखोगे? सर क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन ये है, द क्लेम इज, ठीक है, एज अ रिसर्चर हम क्लेम कर रहे हैं जब वोवल होगा कार्ड के ऊपर, जहां पे अल्फाबेट में वोवल ए ई आई ओ यू वोवल में से कोई अल्फाबेट होगा, तो उस कार्ड के पीछे, कार्ड की दो साइड है ए एंड बी, ठीक है, कार्ड के एक तरफ अगर वोवल है तो दूसरी तरफ इवन नंबर होना चाहिए, लाइक अगर है ना ए है आगे तो पीछे कोई इवन नंबर जैसे कि टू ऐसा होना चाहिए, ये हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और ये अब हमको चेक करना है, हमें ये चार कार्ड दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, तो वी नीड टू चेक चेक दिस, तो हम कौन से कार्ड को पलट के देखेंगे इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए? मैम ई को देखेंगे, बिकॉज ई इज द वोवल, राइट, और ई को देखेंगे और टू को देखेंगे मैम, कि टू के पीछे भी कोई वोवल हो सकता है। ओके, दिस कैन बी डन। नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये टास्क पार्टिसिपेंट्स को दिया गया था तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर ज्यादातर था कि टू टर्न ओवर ई एंड टू टर्न ओवर सेवन, ई तो देखेंगे देखेंगे एंड सेवन को चेक करेंगे, ठीक है, हमें इस अगर क्योंकि अगर सेवन के पीछे, सेवन इज एन ऑड नंबर, तो सेवन के पीछे कोई वॉवल नहीं होना चाहिए इसका मतलब, और अगर सेवन के पीछे कोई वॉवल निकला तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी, राइट राइट, ठीक है, तो हम ई और सेवन को देखेंगे, बट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ ई ई को देखा पलट के और सेवन को नहीं, ओनली ई पे ध्यान गया उनका, ठीक है, राइट। नाउ वी विल वी जस्ट स्विच ओवर टू अनदर टास्क, सिमिलरली एक और टास्क दिया गया था, नाउ इस टास्क में क्या हुआ है, द क्लेम इज इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग बियर ही और शी मस्ट बी ओवर 19, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो अभी, जब कहना ये चाह रहे हैं कि कार्ड के एक तरफ अगर बियर बनी है, ठीक है, तो उसके पीछे उसकी एज 19 से ऊपर लिखी होनी चाहिए, ओके, यू कैन ऑल्सो इमेजिन ए पर्सन इंडिविजुअल ने एक टी शर्ट पहनी है, ठीक है, और वही इंडिविजुअल बियर पिएगा जिसकी शर्ट पे 19 से ज्यादा एज लिखी होगी, ऐसा ऐसा क्लेम कर रहे हैं वो, ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉवल्स को रिप्लेस कर देंगे बियर से, और जो नंबर्स थे हमारे उनको हम एज के हिसाब से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड यहाँ पर, अब ईच वन साइड एंड थिंकिंग ऑन द अदर साइड, ये मेंशन्ड होगा कार्ड के ऊपर, सो व्हाट व्हाट मैम, आपका वॉइस ब्रेक हो गया, मैं ये एज ऑन वन साइड, एज ऑन वन साइड, ड्रिंकिंग और नॉट ड्रिंकिंग ऑन अनदर साइड, ओके ओके, ठीक है, नाउ इस सिचुएशन में क्या हुआ, ज्यादातर लोगों ने बियर के कार्ड को भी टर्न ओवर किया, दिस इज सिमिलर जो पुराना टास्क था ना, तो वहां पे ई को आप बियर से रिप्लेस कर दो, सेवन को आप 16 से रिप्लेस कर दो, 16 इज अंडर एज, ओके, ठीक है, तो जब ये वाली सिचुएशन दी गई ना, तो एवरीवन टर्न द बियर कार्ड एंड एवरीवन टर्न द 16 ईयर एज कार्ड, क्योंकि उनको पता चल जाएगा 16 के पीछे तो बियर होनी ही नहीं चाहिए, राइट, तो दे डिड इट करेक्टली दिस टाइम, पिछली बार नहीं कर पाए थे बट दे डिड इट करेक्टली, व्हाई, बिकॉज क्लियरली हमारा जो प्रपोजिशन है ना, ये जो प्रपोजिशन रिजाइन कर रहा है हमने, उसका जो कंटेंट है, इससे भी हमारा रीजनिंग इफेक्ट हो रहा है, कंटेंट ऑफ प्रपोजिशन, देखो पीछे जब हम बात कर रहे थे वॉवल की और नंबर्स की, ठीक है, तो अगेन इट वॉज इजी फॉर अस, वॉवल तो हमें समझ में आ रहा था, लेकिन हमने कंटेंट में इवन नंबर लिखा था, तो इसलिए सेवन पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा था, राइट, कंटेंट से रीजनिंग इफेक्ट हो गया, इवन नंबर बोलते ही आप लोगों ने टू भी बोला,
राइट, बट 7 पे ध्यान नहीं जा रहा था, क्यों? क्योंकि कंटेंट हाँ में इवन नंबर है, राइट, हाँ राइट, जबकि लॉजिकली तो 7 भी ठीक था, हाँ राइट. तो वही कहना चाह रहे हैं ये, कि कैसे हमारा जो कंटेंट होता है ना प्रपोजिशन का, वो भी हमारी रीजनिंग को इफेक्ट करता है. फाइन, हाँ समझ गया। रीजनिंग इज दिस पार्ट ना, सबको ये बात, कार्ड वाला पार्ट इज द रीजनिंग पार्ट यस और यस प्रेपोजिशन इज दिस स्टेटमेंट। यस यस गॉट, समझा। ठीक है, सबको क्लियर है ये? ओके ओके, सो रिजल्ट्स लाइक दिस इम्प्लाई दैट वी डू नॉट ऑलवेज यूज लॉजिकल रूल्स व्हेन सॉल्विंग डिडक्टिव प्रॉब्लम्स. सो कभी कभी हम लॉजिकली नहीं जाते, हम कुछ प्रैग्मेटिक, कुछ प्रैक्टिकल रूल्स भी फॉलो करते हैं डिडक्टिव प्रॉब्लम्स में. मैम एक दिस एग्जाम्पल डिडक्टिव प्रॉब्लम का। डिडक्टिव प्रॉब्लम का, जैसे हम आप जितने भी सिलोगिज्म प्रैक्टिस करते हो अच्छा ना, वो वो सब सिलॉजिज्म डिडक्टिव वाला होता ही है। है, सारा डिडक्टिव है ओके वो. हाँ, इनफैक्ट अभी हम पढ़ेंगे ना, जो आपका रिसर्च भी हम करते हैं ना, हाइपोथेसिस बनाते हैं हाँ है ना, फिर हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टैटिस्टिकली इवेल्युएट करते हैं, वो सारा डिडक्टिव रीजनिंग ओके ओके है ना. हम जनरल से स्पेसिफिक पे जा रहे हैं ना, जब हम रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में, व्हाट वी विल डू, कोई एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर पकड़ेंगे, कोई एक स्पेसिफिक मेंटली हेल्थ का इशू लेंगे, राइट, कोई एक हाँ स्पेसिफिक हाँ इंटरवेंशन लेंगे, और हाँ फिर उसको हाँ हाँ डिड्यूस करके कोशिश करेंगे, तो वहां पे हम डिडक्शन फॉलो करते हैं, फिर हम ठीक देखेंगे है अच्छा मेल पे क्या है, फीमेल पे क्या है, वो दैट इज ऑल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है ना राइट. मैडम। अनदर टाइप ऑफ रीजनिंग इज इंडक्टिव रीजनिंग. अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इट इज नॉट दैट एब्सोल्यूट एज डिडक्टिव इज. ठीक है, डिडक्टिव में अगर दो बातें, प्रिमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू था, लेकिन इंडक्टिव में ऐसा जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अरुण ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अरुण वर्क फॉर दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. ठीक है, अरुण ने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करी और वो दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है, और हम क्या रीजन, अब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अरुण इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाँ तो विच इज नॉट, विच हो सकता है ये डिडक्टिवली तो इनवैलिड है पहली बार, क्योंकि हो सकता है अरुण वहां पे एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रहा हो, हाउ कैन यू से कि वो इंजीनियर है वहां पे, गेटिंग. यस मैम, रिलाई ऑन द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, सो वी मेक द यूज ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑल द टाइम, एंड इन डूइंग सो वी रिलाई ऑन द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस मैम, है ना. इंडक्शन में, इंडक्टिव रीजनिंग में, हम प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा, मतलब हमें लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है. नहीं, इसमें दो रूल्स पढ़ते हैं हम, एक है बेस रेट रूल. बेस रेट रूल क्या कहता है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्लास इज ग्रेटर द मोर क्लास मेंबर्स दे आर. इसको सिंपलीफाई करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जो अरुण वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो जो आर्ग्यूमेंट हमने दिया था, अरुण एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये बात तब थोड़ी सी हम मान सकते हैं जब हम कहें कि अरुण उस क्लब का मेंबर है जहां पे 90% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जाते हैं, गेटिंग. तो यस हम मैम, कह सकते हैं कि हाँ वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना उसकी, ठीक है. यस मैम, ठीक है, दिस इज बेस रेट रूल. अनदर रूल इज कंजंक्शन रूल. कंजंक्शन रूल क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रपोजिशन कैन नॉट बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रपोजिशन कंबाइंड विद अनदर प्रपोजिशन. अब इसका क्या मतलब है, अगेन कमिंग टू द सेम एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी दैट अरुण इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी इस बात से कम नहीं होती, कैन नॉट बी लेस देन द प्रोबेबिलिटी दैट अरुण इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मेक्स मोर देन 50,000 अ ईयर.
कंजंक्शन, दो चीजों को हम दो प्रपोजिशन को एक साथ जोड़ रहे हैं, हाँ लेकिन उससे हमारे जो मेन हमारा जो पुराना प्रपोजिशन था उसकी प्रोबेबिलिटी उससे कम नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ प्रोबेबिलिटी तो मैम फिर भी वही रहेगी ना कि अरुण इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपने उसमें ऐड, एग्जैक्टली हाँ ठीक है, हाँ कि हम दो सेंटेंस को ऐसे ऐड कर रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कम नहीं होगी एडिशन करने पर। हाँ एडिशन करने पे कम नहीं होगी, है ना, मतलब ऐसा नहीं है उसका वजन बढ़ रहा है उससे। ठीक है, सो अगेन दिस इज द प्रोसीजर पार्ट, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव। डिडक्टिव में एज आई टोल्ड यू, आपके पास एक एग्जिस्टिंग थियोरी होती है, लाइक इन रिसर्चेस आप क्या करते हो, यू जस्ट सी इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन वेल बीइंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग थ्योरी होगी आपके पास उसकी ऑलरेडी, फिर आप उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस बनाओगे। स्पेसिफिकली योगा के अंदर आप देखोगे कि मुझे तो वही जो 2 साल से योगा कर रहे हैं उन्हीं का देखना है इम्पैक्ट, किसके ऊपर देखना है, मुझे तो सिर्फ मेल फीमेल के डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, या फिर मुझे सिर्फ स्ट्रेस एंगजाइटी पे काम करना है उनकी, तो इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाओगे, डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा एनालाइज करोगे, एंड देन फिर फाइनली हाइपोथेसिस को रिजल्ट के बेसिस पे रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, राइट। ये पूरा डिडक्टिव प्रोसीजर है, वी आर गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। बट इन इंडक्टिव अप्रोच व्हाट हैपेंस, वी जस्ट हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, उस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, हम डॉग का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपने पहले एक डॉग को देखा बहुत ध्यान से स्पेसिफिकली, आपने कुछ और डॉग्स भी देखे ग्रेजुअली, फिर आपने रिकॉग्नाइज करा कि सारे डॉग्स तो बात करते हैं, है ना, दे हैव अ स्पेसिफिक वॉइस एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बार्किंग, राइट, एंड हेंस यू कंक्लूड, यू फॉर्म अ जनरल कंक्लूजन, एवरी डॉग बार्क्स। तो आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हो और उसको बाद में जनरलाइज करते हो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के बाद, वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। क्लियर है ये? यस मैम, हाँ हाँ, तो यही डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में डेटा पहले आपने लिया, स्पेसिफिक डेटा, पैटर्न रिकॉग्नाइज किया और फिर कंक्लूजन किया, जनरल कंक्लूजन किया। सो यू आर मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, लेकिन डिडक्टिव में यू आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। टू स्पेसिफिक। ठीक है, इसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, देन डिडक्टिव को हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, टॉप से डाउनवर्ड अप्रोच। ठीक है, हेयर वी यूज स्पेसिफिक प्रिमाइसेस टू फॉर्म अ जनरल कंक्लूजन, हेयर वी यूज जनरल प्रिमाइसेस टू फॉर्म अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन प्रोबेबिलिस्टिक है, हमने पढ़ा ना अरुण वाले एग्जाम्पल में, अप्रोक्सीमेट देखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसकी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिडक्टिव में श्योर श्योर कंक्लूजन होता है, प्रिमाइसिस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होंगे, बट यहाँ पे अगर प्रिमाइसिस ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन भी ट्रू हो। मैम, जो अभी हमने ये बेस रेट रूल और कंजक्शन रूल पढ़ा है वो इंडक्टिव रीजनिंग के बिहाफ पे पढ़ा है ना, हाँ हाँ मतलब इंडक्टिव, गई है। ठीक हाँ इंडक्टिव के भी हाफ पे पढ़े, ये क्लियर है अभी सबको? ओके, यस मैम। सो दिस इज अब ऑल अबाउट रीजनिंग। नाउ वील मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई गेस यू ऑल नो कि इट इज अबाउट द एफर्ट्स टू डेवलप और चूज अमंग वेरियस रिस्पॉन्सेस टू अटेन डिजायर्ड गोल। करने के लिए हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो इट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस दैट पीपल गो थ्रू, डिस्कवर, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो व्हेन एवर वी ट्राई टू सॉल्व एंड एनालाइज प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है। तो और डेफिनेटली उसमें मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा जिसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट। अल्टीमेट गोल इज टू ओवरकम ऑब्स्टेकल एंड टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट बेस्ट रिजॉल्व द इशू।
तो जो भी इश्यू एट हैंड है आपके, यू विल ट्राई टू फिगर आउट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, और जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आप उन्हें रिमूव करने की कोशिश करते हो, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दीज आर द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो नंबर वन, वी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है. देन वी ट्राई टू डिफाइन द प्रॉब्लम, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे प्रॉपर. देन वी फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स क्या होंगे टू सॉल्व इट. देन वी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे टूवर्ड्स इट, फिर हम रिसोर्सेज लगाएंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए, आपको नेट की तैयारी करनी थी, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट, फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करके डिफाइन करा कि मेरे को June 2023 नेट करना है, ठीक है. देन वी हैव टू फॉर्म अ स्ट्रेटजी, कैसे करना है, कितना टाइम है, आप डिवाइड करोगे, फिर आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे, राइट. इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज करोगे कि ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, राइट. वट एवर यू हैव, लाइक सॉरी, दिस इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है. आपने देख लिया कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, फिर आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी तो करोगे, आप ये भी तो चेक करोगे ना, साथ में इवेल्युएट करोगे, मॉक टेस्ट देखोगे, और ये देखोगे कि मैं ट्रैक पर हूं कि नहीं, तैयारी सही चल रही है नहीं चल रही है. एंड फाइनली यू विल इवेल्युएट द रिजल्ट, ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी हुई, सब हुआ कि नहीं सही से, ठीक है. तो फाइनली यू विल इवेल्युएट द रिजल्ट. सो दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अगेन दिस इज अनदर वे, उसी का ब्रीफ फॉर्म है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिसको हम आइडियल से याद कर सकते हैं. आइडियल, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, डी फॉर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ई फॉर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ए फॉर एक्टिंग ऑन दोज स्ट्रेटजीज, एंड एल फॉर लुकिंग बैक एंड इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये क्लियर हुआ, ये शॉर्टकट वाला आइडियल? इट इज क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग. इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम. मैम इसको हम एक्शन रिसर्च की तरह भी ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एक्शन की बात करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड को ही तो रिजॉल्व करते हैं. यस मैम. उसी की तरह अगेन इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉब्लम में. इनिशियल स्टेट, जब सिचुएशन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, फिर गोल स्टेट यानी कि जो सोल्यूशन होगा आपकी प्रॉब्लम का, बीच में सेट ऑफ रूल्स भी होंगे जो फॉलो करने होंगे, और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे जो हमें ओवरकम करने होंगे. तो दीज आर, देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, वन इज वेल डिफाइंड, अनदर इज इल डिफाइंड. वेल डिफाइंड यू ऑल नो, जब आपकी प्रॉब्लम क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पेपर लिखा है, राइट. नाउ पेपर लिखने के लिए तो देर आर सर्टेन रूल्स. आप मुझे बोलोगे मैम मेरे को रिसर्च पेपर लिखना है, तो आई विल टेल यू ना स्टेप्स कैसे लिखना है, राइट. लेकिन अगर आप बोलो मुझे ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो क्या मैं आपको बता पाऊंगी क्या स्टेप्स है और आप कैसे बन सकते हो? नो मैम. प्रॉब्लम है ना वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड, दो टाइप की इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं. ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को हम इल डिफाइंड बोलेंगे, बट बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन भी स्ट्रक्चर्ड हो, तो वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में आएगी. Like for example, your car doesn't start in the morning and you want to try and find out what's wrong with it. This problem is well defined. Aap mechanic ke paas jaoge, theek karoge, then you'll use the car. You want to beat an opponent at chess. So proper strategies aapko learn karni padengi and you will beat the opponent. You want to find a street in an unfamiliar city. Aap GPS khologe and you'll find it out, right? Ill-defined problem. You want to be happy. You want to be successful. You want to draw a picture. You want to write an essay. So these are ill-defined. आपको पता ही नहीं है इसमें, तो मतलब काफी सब्जेक्टिविटी और अब्स्ट्रैक्टनेस आ जाएगा. क्लियर है ये?
ओके सो नाउ विल मूव टू रूटीन प्रॉब्लम एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम. अगेन रूटीन प्रॉब्लम डेली बेसिस वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हम फेमिलियर है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम लिखना है, राइटिंग एन एग्जाम, मेकिंग कैसे बनाना है, फेमिलियर प्रॉब्लम्स है ये. लेकिन नॉन रूटीन प्रॉब्लम जो आपको कभी कभी काम करना होता है, आपको रिसर्च पेपर लिखना है, वो रूटीन प्रॉब्लम नहीं है आपकी, वो नॉन रूटीन प्रॉब्लम है. ठीक है, वेयर यू डू नॉट नो व्हाट स्टेप्स टू फॉलो, आपको स्टेप्स की अवेयरनेस नहीं है क्या फॉलो करना है, वो नॉन रूटीन प्रॉब्लम है. लेकिन रूटीन प्रॉब्लम में आपको पता होता है कि क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है उस काम को करने के लिए. क्लियर है सबको ये? यस मैम. ओके, देन वी हैव सेवरल मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टार्टिंग विद ट्रायल एंड एरर, देन एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, एनालॉजी एंड इनसाइट. स्टार्टिंग विद ट्रायल एंड एरर, आई गेस दिस यू ऑल नो, ट्रायल एंड एरर सिंपली मीन्स बार बार कोशिश करते रहना, फेल होना लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना. तो ट्रायल एंड एरर से बेसिकली कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा आइडिया लगने लगता है ये काम कैसे होगा. आप बार बार कोशिश करते हो, बार बार कोशिश करते हो, बट अल्टीमेटली उस काम को कर लेते हो, राइट? बिकॉज यू कीप ट्राइंग, अच्छा ऐसे होएगा, ये काम नहीं हुआ, चलो दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, ऐसे हो जाएगा, नहीं हुआ, अरे तीसरा करते हैं, ऐसे हो जाएगा, है ना? बिकॉज फेलियर इज नेवर अ वेस्ट, इट एक्चुअली गाइड्स यू टुवर्ड सक्सेस. तो दैट इज ट्रायल एंड एरर. Then we have algorithm. Algorithm is about step-by-step strategy to solve a problem. When you have proper set of rules that you have to follow, step number one, step number two. For example, you have a new washing machine at home. ठीक है, manual आया उसके साथ and you want to start it, right? So you will open the manual, you will follow the steps and you will activate it. आप कर पाओगे. That is algorithm. Fine. Then you have heuristic. Heuristic होते हैं shortcuts. हम ना अपनी energy save करने के लिए बहुत heuristic thinking करते हैं. जहाँ shortcut possible हो वहाँ apply करने की, फटाफट solution हो जाए, right? जैसे ये हम जब puzzle solve करते हैं ना ये वाले, तो यहाँ पे हम familiarity heuristic apply करते हैं. Shortcuts. जो जो same same color वाले pictures होंगे उनको साथ में लाके रख देंगे. But इसमें ना error के chances होते हैं. ह्यूरिस्टिक वाला मेथड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इट मे बी एरर प्रोन ऑल्सो. जरूरी नहीं है जो शॉर्टकट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे. कॉमन यूजेस क्या है? इट रिड्यूस मेंटल एफर्ट नीडेड टू मेक डिसीजन, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे आर फास्ट एंड एक्यूरेट वे टू अराइव एट अ कंक्लूजन, इट हेल्प्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट इट मे बी एरर प्रोन. ये ध्यान रखना, ह्यूरिस्टिक एरर प्रोन हो सकता है. दे आर आइडियल एज अ क्विक फिक्स बट इंट्रोड्यूस एरर बायस एंड मे कंस्ट्रेन क्रिएटिविटी. अनदर मेथड इज एनालॉजी, विच इज अगेन कंपेरिजन करना. ठीक है, जो ऑलरेडी आप पहले लगा चुके हो सोल्यूशन, उसी के थ्रू आप नया सोल्यूशन ढूंढ रहे हो. Like the same manner, the solution which were previously successfully applied, you are trying them again. Like this is cat and this is pow. ऐसे questions आते थे ना हमें पहले. This pow is to cat and so this is to horse, right? So these are analogy, है ना? Like hand is to finger, so foot is to toe. तो यहाँ पे blank कर देंगे, right? Cow is to milk and sheep is to wool. तो यहाँ हमें blank दे देंगे इस तरीके से. एक बार अगर हमने किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो अगली बार भी विल ट्राई. यस मैम. है ना, बाहर गए हम कुछ सामान लेने, हम कुछ सब्जी लेने, फ्रूट्स लेने या नारियल पानी लेने, एंड हमें पता है वो द पर्सन इज गिविंग इट एट हायर कॉस्ट. ठीक है, बार्गेनिंग आपने ट्राई करी, इट वर्क एट वंस. अगली बार जब आप फिर गए मार्केट और आपको फिर से किसी ने बहुत बड़ा चढ़ा के रेट बोले, तो आप क्या सोचोगे, मैंने लास्ट टाइम बार्गेनिंग ट्राई करी थी एंड इट वर्क, तो क्या पता यहाँ पे भी काम कर जाए. है ना, देन वी हैव इनसाइट. Insight is about sudden realization, a leap of
थिंकिंग, फॉरवर्ड इन थिंकिंग दैट लीड्स टू अ सोल्यूशन. तो इनसाइट इज लाइक यूरेका मोमेंट जो होता है ना हमें, यस आई हैव फाउंड इट, अंदर से आता है एकदम सोल्यूशन, द आहा मोमेंट. इसी को हम आहा मोमेंट भी बोलते हैं, इसको हम क्रिएटिविटी में भी पढ़ेंगे शायद. ठीक है, तो वो अंदर से आता है इनसाइट आपके प्रॉब्लम सॉल्व की, ये काम ऐसे हो सकता है. होता है ना कभी कभी रियलाइजेशन अचानक से, अरे यार ये तुम मेरे आया क्यों नहीं, सोचा क्यों नहीं, और ये काम ऐसे हो सकता है, और वो आपको कोई बताता नहीं है आके. यस मैम. ना पढ़ते हो उसको किसी किताब में, इट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट. इनसाइट लर्निंग का फेमस एग्जाम्पल पता है ना आपको मैम, वो कोहलर का ना जो चिंपैंजी के ऊपर किया था उन्होंने, राइट, चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट कोहलर का, वो अबाउट इट, दैट वाज अबाउट इनसाइट लर्निंग. क्या हुआ था उसके अंदर, मैम वो बनाना के लिए वो बॉक्स पे बॉक्स रखते हैं, पहले तो वो, हाँ पहले तो क्या करते हैं, उनको केले लेने होते हैं, ठीक है. तो पहले तो वो स्ट्रगल करते हैं, कूदते हैं फांदते हैं कि कैसे कैसे केले मिल जाएं, बहुत देर तक ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं. लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है वहां पे बहुत सारे बॉक्स रखे थे, ठीक है. तो फिर वो बॉक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं और चढ़ के केले उतार लेते हैं. सिमिलरली एक बार उनको वो स्टिक रखी थी, तो स्टिक उठा के केले ले लेते हैं. तो वो उनको कोई बताता नहीं है ऐसे करने को, उनको खुद ही ट्रायल एंड एरर कर करके रियलाइज हो जाते हैं, अरे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं. उनके इनसाइट डेवलप होती है मैम टाइम पे, उनकी इनसाइट डेवलप हो जाती है. हाँ ठीक है. तो इनसाइट इज अनदर मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. लास्ट स्लाइड दिखा प्लीज. हाँ इनसाइट प्रोडक्टिव थिंकिंग मैम, थिंकिंग के भी अलग टाइप्स होते हैं ना, मतलब टाइप्स तो कल ही अच्छा सॉरी थिंकिंग के थिंकिंग के टाइप्स हमने पढ़े हैं, बट उसमें हमें प्रोडक्टिव थिंकिंग अलग से नहीं पढ़ा. दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नॉट टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस इज एडजेक्टिव, है ना. प्रोडक्टिव थिंकिंग इज ओके, जो थिंकिंग वेस्ट नहीं जा रही है, डायरेक्टेड है. अच्छा 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 ठीक है. हाँ दैट इज प्रोडक्टिव थिंकिंग. Okay, this is another example here. Suppose you are like you have gone to a supermarket. आप गए हो किसी स्टोर के अंदर अपना डेली यूसेज का सामान लेने के लिए, राइट. एंड आपको एप्पल जूस लेना है, राइट. तो वट यू मे डू, आप थोड़ा खुद इमेजिन करो कि अगर आप जूस लेने गए हो वहां पे, ठीक है, बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, आपको पता ही है मार्केट में कितना सामान ऐसे लगा होता है. You can see the picture also here. तो आपको जूस तक पहुंचना है, आप कैसे पहुंचोगे? The very first step. आप बताओ आपको क्या लगता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जूस वाला कॉर्नर हम सेलेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर जूस वाला कॉर्नर है. फिर उसमें तो हमें फ्रूट्स जो भी चाहिए, एप्पल जूस चाहिए, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट. राइट कैन बी डन. उसको सेलेक्ट करने के बाद मतलब जो मुझे लगता है, मैं तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखूंगी, राइट. और इनफैक्ट दोनों तीनों टाइप की जूसेस होंगे अलग अलग ब्रांड्स के, उनको भी कंपेयर करोगे. यस सर. है ना, किसका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, किसमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स है, किसका क्या प्राइस है, सब कुछ देखोगे. यस मैम. किसी किसी पे लिखा रहता है नो प्रिजर्वेटिव, किसी में कुछ अमाउंट में कुछ लिखा हुआ था कि हाँ कुछ उसमें परसेंटेज में इसमें एडिड है, वो सारा सिलेक्ट करने के बाद, राइट. और तब जाके हम जूस लेंगे, राइट. अब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ठीक है. अगर सपोज हम इसको ट्रायल एंड एरर के तरीके से समझते हैं, जो ट्रायल एंड एरर फॉलो करेगा, दैट पर्सन विल वैंडर अराउंड द सुपर मार्केट और रैंडमली ढूंढने की कोशिश करेगा, टकरा गया तो टकरा गया जूस का कॉर्नर, नहीं तो नहीं सही, ठीक है. रैंडमली ट्राई करेगा, पूरे मार्केट में घूमता फिरता कि कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है. एल्गोरिथम होगा किस तरह के भी कॉर्नर्स बने होते हैं. हाँ आप पहली बार गए हो और आपको कोई अंदाजा नहीं है वहां पे कहाँ पर है. यस सर. पहली बार जाते हैं तो हम भी कई बार ट्रायल एंड एरर करते हैं ना कि कहीं तो मिलेगा. यस सर. ठीक है. फिर है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम में वी फॉलो अ प्रॉपर मेथड, प्रॉपर पाथ. तो
आप इजीएस्ट वे वहां पे जाओगे, उनकी हेल्प जो होंगी उनको बोलोगे, ठीक है, कि हमें ये जूस चाहिए आप लाके दे दो। तो मतलब होता है ना, प्रॉपर मेथड फॉलो करना है, क्लियर है हेड में कि गए वो जो हेल्पिंग के लिए वहां पे लोग होंगे उनकी टीम को बोला, उन्होंने आपको जाके जूस दे दिया या आपको वहां पहुंचा दिया, ठीक है, यू आर प्रॉपर। ये भी हो सकता है ना। फिर ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक जैसे आपने बोला आपको पता था जूस कॉर्नर कहाँ है, आप सीधा वहीं गए शॉर्टकट, है ना, वो ह्यूरिस्टिक था। तो मतलब दीज आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट कैन बी अप्लाई, ठीक है। आई गेस द प्रॉब्लम, द कंसेप्ट इज क्लियर अभी ना। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक में शॉर्टकम हम शॉर्टकट देखते हैं, ट्रायल एंड एरर में हम डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन रिस्टार्ट करना है, वाईफाई टर्न ऑफ होना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम ट्रायल एंड एरर से कई बार करते हैं, बार बार फोन रिस्टार्ट, अरे लैपटॉप काम नहीं कर रहा, चलो बंद कर देते हैं, बंद करके चला देते हैं, चल जाएगा। यस मैम, है ना। बट एल्गोरिदम करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर देखेंगे, अरे कुछ हमें एंटीवायरस की जरूरत है शायद इसके अंदर, इसलिए दिक्कत कर रहा है, राइट। फिर ह्यूरिस्टिक में हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, वहां पे हम अपना टास्क को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे उसमें, या देखो इशू प्रॉब्लम क्या आ रही है लैपटॉप के अंदर, या आपने सीधा इंजीनियर को फोन कर दिया लैपटॉप ठीक करने के लिए, बात खत्म, ठीक है। देन ह्यूरिस्टिक जो अभी हमने पढ़ा, ह्यूरिस्टिक के भी देर आर सेवरल टाइप्स लाइक सिमिलैरिटी, कॉजालिटी, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव, एंकर एडजस्टमेंट, वर्किंग बैकवर्ड्स एंड मीन एंड एनालिसिस। सिमिलैरिटी ह्यूरिस्टिक एक बार और इन सिंपल टर्म्स मैम। ह्यूरिस्टिक सिंपलेस्ट मीनिंग इज शॉर्टकट। ओके मैडम, शॉर्टकट थिंकिंग इज ह्यूरिस्टिक, ठीक है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जितने शॉर्टकट में काम हो जाए उतना। अभी समझते हैं ना सिमिलैरिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है। जब आप सिमिलैरिटी को यूज करते हो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, मतलब मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो मैंने बोला आप 2+2 करना है आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं, तो मैंने कहा आप इसको दो डंडे यहाँ बनाओ, दो ये बनाओ, काउंट करो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो जाएगा। मैंने अब आपको दे दिया 2+3 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, अभी तो सिखाया था मैंने 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया 5 हो गया, समझ रहे हो, सिमिलैरिटी शॉर्टकट। सिमिलर तरीके से हम चीजों को करेंगे जब, ठीक है, हमें नहीं पता क्या करना है, बट हमने दूसरे को करते देखा तो हमने भी कर लिया। हाथ धोने थे, हम सड़क पर है, हमें हाथ धोने थे, हमने नजर घुमाई और हमने किसी को देखा, अरे वहां एक नल लगा है और एक ऑलरेडी एक इंसान हाथ धो रहा है, तो हमने भी अपना शॉर्टकट वाला यूज करा, अरे हम भी बक्के गए और हमने भी वही हाथ धो लिए। सिंपल मैम, मतलब देखा देखी काम करना, कुछ हाँ ऐसा? देखा हाँ, काइंड ऑफ शॉर्टकट ही है ना, सोल्यूशन प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन शॉर्टकट से होना चाहिए। अब वो शॉर्टकट सिमिलैरिटी के उससे भी हो सकता है। Yes, ma'am. ठीक है, then we have causality. Causality is people estimate probability of a situation by strength of the causal connections between the events in the situation. तो यहाँ पे आता है causal connection, यानी कि cause and effect. Again, जैसे वही वाला example यहाँ पे fit होता है, जब मैंने कहा था, मैंने आपसे पूछा paper क्यों छूट गया, आपने तुरंत जवाब दिया paper lengthy था, that is causality heuristic, causal. आपको जो लगता है possible जो उसका connection हो सकता है between the event, but उसके और भी बहुत सारे reasons हो सकते हैं ना paper छूटने के। आप distracted हो सकते हो, आप focus नहीं, आपका stress भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपकी तैयारी नहीं थी, बहुत सारे और भी तो reasons हो सकते हैं, but आपको जो ज्यादा कॉजल कनेक्शन जिसमें लग रहा है, यू विल जस्ट से दैट एकदम से,
माइंड उसी तरीके से काम करेगा। जब प्रोबेबल सिचुएशन जो है उसका जो कॉजल कनेक्शन हो सकता है हम उसकी बात करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, हम डिटेल लॉजिक नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट पे जंप कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी एविडेंस और डिटेल नॉलेज और डिटेल लॉजिक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर हमें कहीं टाइम पे पहुंचना है और हम लेट है तो हमारी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ये एक्सक्यूज देने की ट्रैफिक जैम था। हाँ, ताकि ये कि हम घर से ही लिख निकले थे या कुछ ऐसा निकले थे, तो हाँ ये भी उसका एग्जांपल। ये तो डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड लग रहा है मुझे। नहीं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज कि हम डिफेंस ही कर रहे हैं इसमें, बट वी आर जस्ट गिविंग रीजन टू अ प्रॉब्लम टू अ सिचुएशन शॉर्टकट मैनर में जो हमें बेस्ट कॉज एंड इफेक्ट लगता है उस वक्त। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसमें डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे, जरूरी नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म तब होगा जब एग्जैक्टली उस लेवल की एंग्जाइटी अराइज होती होगी। ठीक है, Then we have availability heuristic. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है ना आपको, वो आपके माइंड में फटाफट आ जाती है झट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। देर वॉज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड और स्टूडेंट्स को लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब उस लिस्ट में कुछ मेल्स के नाम है, कुछ फीमेल्स के नाम है, और सपोज मैंने आपको लिस्ट दी है और आपको मुझे ये बताना है कि इस लिस्ट में मेल ज्यादा थे कि फीमेल ज्यादा थे। दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि इस लिस्ट में फीमेल ज्यादा है, यही जवाब दिया। बट एक्चुअल रियलिटी में 10 नाम फीमेल के थे और 10 ही नाम फीमेल के थे, कोई भी ज्यादा कम नहीं था, बराबर थे, बट सबने बोला फीमेल के नाम ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस लिस्ट में फीमेल के जो नाम डाले गए थे ना वो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज के नाम थे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे लिए प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, है ना, कुछ हम ऐसे ने सुनीता विलियम्स, कुछ हम ऐसे ऐसे नोन नाम डाल दें अगर, ठीक है, तो वो यहाँ पे रह जाते हैं और वो फिर हमारे उसको रीजनिंग को उस वक्त इफेक्ट करते हैं। दैट इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, क्योंकि वो नाम आपके माइंड में पहले से ऑलरेडी ज्यादा अवेलेबल है तो इसलिए वो रजिस्टर हो गए यहाँ पे और आपको लगेगा फीमेल के नाम ज्यादा है लिस्ट के अंदर। तो आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। इट इज बेस्ड ऑन How readily they come to mind. कोई चीज आपके माइंड में कितना इजिली पॉप अप हो रही है। हाँ, जैसे मैम ये भी हमें स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है ना, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड माइंड में एकदम वो चीज आती है, आई विल नेवर गो टू अ टॉल बिल्डिंग एनीमोर। ये जैसे हम ये सुनते रहते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, हाँ, जब भी हम प्लेन में बैठेंगे वो चीज हमारे माइंड में आएगी, राइट, कुछ इस तरह से ना अवेलेबिलिटी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले से, राइट, है ना। अभी हमने पेपर में पढ़ा, अरे बहुत ही इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिकली ग्लोबली बहुत तरक्की कर रहा है, राइट, फिर आपको कोई पूछ लेता है इस बारे में, डिस्कशन करता है, अभी आपने रिसेंटली पेपर में पढ़ा ही था तो, है ना, आपका क्या, आपका तो बड़ा ही पॉजिटिव रिएक्शन होगा, अरे मैंने भी पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने कि इंडिया तो अभी पीक पर है, तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस और पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर। यस, आपका माइंड ऑटोमेटिकली जंप करेगा उसमें। ठीक है, देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। नाउ दिस इज अबाउट मेकिंग क्विक जजमेंट बेस्ड ऑन मेंटल प्रोटोटाइप्स। ये क्या होता है, It is a mental rule of thumb suggesting that more closely an event or object resembles
typical example of some concept or category, the more likely it is to belong to that concept or category. तो जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, एक नेबरहुड एरिया है पूरा, ठीक है, वहां चोरी हुई है एंड देयर वाज अ गाय हु लिव यहाँ पे, अकेला रहता है और ना अपना ध्यान नहीं रखता है, लाइक बंधन के नहीं रहता है, ऐसे कुछ भी पहन लेता है, दिखने में थोड़ा सा डार्क भी है, गोरा भी नहीं है, राइट. तो क्या होगा, सारे नेबरहुड मिलके उसी पे इल्जाम लगाते हैं, पक्का इसी ने चोरी करी है, यही क्योंकि चोर जैसा दिखता है हमें. तो उन्होंने क्या किया, क्विकली एक जजमेंट बना लिया अपने मेंटल प्रोटोटाइप के बेसिस पे. प्रोटोटाइप्स कल पढ़े थे हमने, ये एग्जांपल भी पढ़ा था ना, कुछ बच्चों को क्या लगता है चोर कौन होते हैं, अरे जो काले से होते हैं, जो कपड़ा मुंह पे लपेटते हैं, उनको हम चोर कहते हैं, होता है ना, एक मेंटल प्रोटोटाइप हमारा. उसके बेसिस पे अगर हम जजमेंट करें, उसके बेसिस पे हम कहें अरे यही चोर है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक. Is it making sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear hai na ye? Then we have anchoring and adjustment heuristic. This is also very simple and interesting. For example, aap gaye ho kisi very famous, suppose Delhi mein to hamare yahan Sarojini Nagar famous hota hai. To hum wahan market gaye hain shopping karne ke liye. Theek hai? Wahan hoti hai full to bargaining. To aap को कोई ड्रेस पसंद आ गई है, आपने एक शॉप पे पूछी, वो कह रहा है मैडम ये तो ना 500 रुपए की मिलेगी, आपको तो बड़ी अच्छी लग गई, तो आप उसे बार्गेनिंग करते हो, तो वो बार्गेनिंग करते करते आ जाता है 400 पे मिल जाएगी, बट वो तो सरोजिनी नगर है, आप कहते हो अरे अभी तो ये पहली दुकान है, मैं और जगह तो पता कर लूं. क्या हुआ, अब आपके माइंड में पहले तो हो गया ये 500 से महंगी नहीं होगी ड्रेस, दूसरा अब क्योंकि आपने रेट 400 पे सेट करा लिया, तो अब अगली दुकान पे 400 आपके लिए एक नया एंकर पॉइंट की तरह काम करेगा, राइट. पहले एंकर पहला बना 500, फिर आपने उस एंकर को एडजस्ट किया 400 तक, अब आप दूसरी शॉप पे गए, अब वो कहता है मैडम ये ड्रेस 400 में मिलेगी, अब वो तो शुरुआत ही 400 से कर रहा है, तो आप बार्गेनिंग करते हो, वो आ जाता है 300 पे, तो अब आपका नया एंकर पॉइंट क्या हो गया इस ड्रेस के लिए, 300 रुपए, ठीक है. एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, आप बार बार अपने ह्यूरिस्टिक को एडजस्ट कर रहे हो, नए नए एंकर पॉइंट बना रहे हो, फिर आप एक और शॉप पे जाते हो, आप फिर से सेम ड्रेस मिल जाती है आपको, अब आप वहां उसको पता करते हो, ठीक है भैया ये ड्रेस कितने में मिलेगी, तो भैया कह रहे हैं कि अरे मैडम दो ये आप ले जाओ 250 में, ज्यादा महंगी नहीं है, 250, आप तो अभी 300 सेट किया था, वो 250 बोल रहे, आप बार्गेनिंग भी करते हो, तो फाइनली क्या होता है, आपने इसको एंकर पॉइंट बनाया था अभी, उसके हिसाब से तो ये भैया बड़े सस्ता बता रहे हैं, आप ये दो ड्रेस उससे भी बार्गेनिंग करके 200 में डन कर लेते हो और यहाँ पे खरीद लेते हो. ये क्या था, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स. आया ये समझ? Yes, हम क्या कर रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, है ना. अभी मैं सब्जी लेने गई तो टमाटर 25 रुपए किलो, ठीक है, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है. मैं आज दोबारा अगर सब्जी लेने जाऊंगी और टमाटर लूंगी तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या बैठा हुआ है, 25 रुपए से महंगा नहीं बोलना चाहिए बंदा, 25 से महंगा बोलेगा तो मैं कहूंगी भैया रहने दो, तो मुझे नहीं लेना, राइट. पर अगर वो बोलता है मैडम 20 रुपए के किलो, अरे तू ये तो सही दे रहा है यार, कल तो 25 रुपए मिल रहे थे, अगर होता है ना ऐसे, रेट बढ़ गए एक दिन में. हाँ तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन हमारा भी तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि कल तो 25 रुपए के थे, आज ये 30 रुपए के बोल रहा है, हम तो नहीं ले रहे, महंगे ले रहे भैया. यस मैम, और उसको ये भी बोलते हैं कि कल तो इतने के थे 25 रुपए के जी, आज 30 हो गए. हाँ हम बोलेंगे, राइट. और वहीं दूसरी जगह एक और के पास जाओगे तो हो सकता है 20 रुपए के 2 किलो भी मिल जाए, राइट. और वो अगली बार के लिए रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाए. यस मैम, जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स 7:22. हाँ ठीक है, ये होने वाला है टॉपिक. यस, अनदर टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक इज वर्किंग बैकवर्ड्स, यानी कि हम उल्टा काम करना शुरू करते हैं कभी कभी ना, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो जो मेज वाला हम गेम नहीं खेलते थे,
बचपन में देर वॉज दैट गेम ऐसे 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 और रास्ता ढूंढना होता था, यस मैम, तो कभी कभी हम क्या करते थे, जो एंड तक जाने का रास्ता होता था हम वहां से उल्टा शुरू करते थे। कभी कभी करा ही ऐसे, उल्टा जाते थे वापसी, यस मैम, है ना। वो बोलते हैं ना आपको खाने तक पहुंचाना है, तो वो खाना खाना यहाँ सपोज यहाँ रख दिया है, पहुंचाने यहाँ पर है कुछ ऐसा, तो रेदर देन आप इसको यहाँ से खाने तक पहुंचाओ, आप उल्टा रास्ता ढूंढते थे वापसी, उल्टा कि जाके खाने को टच हो जाए। वो किया है कभी ऐसे, यस ऐसे मेज है ना, मेज वाले गेम्स होते थे, तो हम न्यूज़पेपर्स बैकवर्ड भी में करते भी हैं। आते थे इस तरह के गेम्स, न्यूज़पेपर्स में हाँ भी आते थे इस तरह के गेम्स। हाँ 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 ठीक है। तो कभी कभी हम प्रॉब्लम से वापस रिजल्ट उसके तरफ आने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन कभी कभी हम बैकवर्ड करके ढूंढते हैं। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है मैम कि कोई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का, ठीक है, और हमें नहीं आ रहा है, तो हम पहले उसका आंसर देख रहे हैं, पीछे आंसर से हाँ अच्छा इसका राइट आंसर राइट ही, तो हम बैकवर्ड से फॉरवर्ड आ रहे हैं। हाँ, हम नेट के पेपर में नहीं करते, कभी कभी हाँ हमें समझ नहीं आता आंसर क्या है, फिर ऑप्शन देखते हैं, फिर हम आंसर देखते हैं, जब आंसर देखते हैं तो फिर हम कनेक्शन बनाते हैं क्वेश्चन और आंसर में क्या कनेक्शन है, यस यस मैम। और फिर कोशिश करते हैं, होता है ना। ठीक है, तो दैट इज वर्किंग बैकवर्ड, ये भी एक शॉर्टकट का टाइप है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग, वॉटर लिलीज ग्रोइंग इन अ पॉन्ड डबल इन एरिया एवरी 24 आवर्स। ध्यान से सुनना, हाँ, वॉटर लिलीज ग्रोइंग इन अ पॉन्ड डबल इन एरिया एवरी 24 आवर्स। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग ओनली वन लिली पैड इज ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, 60 डेज लेटर द एंटायर पॉन्ड इज कवर्ड। ठीक है, 60 डेज बाद पूरा पॉन्ड कवर हो गया था। ऑन वॉट डे द पॉन्ड इज हाफ कवर्ड, ये क्वेश्चन है आपका, कौन से दिन पे जो पॉन्ड है वो हाफ कवर हो चुका था। 60 डेज में एंटायर पॉन्ड कवर हुआ, तो कौन से दिन पे आधा पॉन्ड कवर हो चुका था। हम 30 डेज में, 24 नहीं, आवर्स में डबल एरिया होता था ना मैम उसका। हाँ, 24 आवर्स में एरिया डबल होता था। अब इसमें बैकवर्ड काम करो, उल्टा चलो, क्वेश्चन को उल्टे से ज्यादा फोकस करो। 60 में कल फुल हुआ मैम, 59 में हो जाएगा ना, एग्जैक्टली, क्योंकि 24 आवर्स में वो डबल हो रहा है। हाँ, बैकवर्ड से आसान हो गया ना। हाँ 60 डेज में वो फुल हो रहा है, तो हम अगर 59 पे जा रहे हैं तो हाफ हो रहा है, डबल एक दिन में 24 घंटे के अंदर वो डबल हो रहा हो रहा है ना, और 60 डेज में वो फुल हो गया था, तो हाफ कब होगा, एक दिन पहले था दिन पहले। ना। वर्किंग बैकवर्ड समझ क्लियर हो गया ना अब। यस मैम। ओके, सो अनदर इज मीन एंड एनालिसिस, दिस इज अगेन वेरी सिंपल। हम एक बड़ा गोल लेते हैं, उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं ताकि बड़ा गोल अचीव हो जाए। जैसे कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, 10 यूनिट थी, हमने 10 यूनिट को डिवाइड करा छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे बूट कैंप्स में, एक एक बूट कैंप खत्म होता जाएगा और आपका सिलेबस प्रिपेयर होता जाएगा, राइट। दिस इज मीन एंड एनालिसिस, यस मैम। ये इसका दीज आर सम अदर मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जब हम बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं किसी एक चीज के, जैसे कल देख रहे थे ना, फोटो फ्रेम वॉल पे लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, टेप से, कील से, लाइक नेल से, या कुछ और एडहेसिव मटेरियल है उससे लगा सकते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है हमारे पास। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, जोड़ जोड़ के, एसोसिएशन इज जोड़ना, ठीक है, जोड़ के सोचना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ कनेक्शन बनाना आपस में, राइट। आपको सपोज आपको कप एंड सॉसर दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, इन चीजों को हम एक साथ देखते हैं, ठीक है, आपको कलर कोडिंग करनी है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट करोगे, रेड के साथ व्हाइट या येलो करोगे, तो एसोसिएटिव थिंकिंग भी चलती है, या फिर किसी एक चीज से आपको दूसरी चीज याद आ जाती है, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है कभी कभी, किसी एक आइडिया से दूसरा आइडिया कनेक्ट हो जाता है। इंट्यूशन, अगेन दिस यू ऑल नो इंट्यूशन, इंट्यूटिव थिंकिंग जो अंदर से आता है आपका, ठीक है, गट फीलिंग जैसा। लेटरल थिंकिंग होता है कि कोई चीज आपने अभी लर्न करी,
और उस चीज को जो लर्न किया है इन फ्यूचर जब सिचुएशन आ रही है तो तब उसको अप्लाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल वाइल ट्रैवलिंग बैक टू होम टूडे आपने देखा, अरे हमारे कॉलेज के बाहर तो बड़ा ही अच्छा खाने का स्टोर खुला है. ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब आपको भूख लगी तो आपके फ्रेंड ने बोला अरे भूख लग गया खाना खाने, मैंने ना कल ही देखा वाला स्टोर खुला है, चलो वहीं चलते हैं खाने. दैट इज लेटरल अप्लाई कर दिया, पहले सीखा था यहाँ पे स्टोर था, अब जब जरूरत पड़ी तो उसको अप्लाई कर दिया थिंकिंग को. ठीक है, देन वी हैव रूट कॉज एनालिसिस. दिस इज अगेन वेरी सिंपल, हर प्रॉब्लम की जड़ तक जाना और उसको सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन निकालना कि क्या उसका प्रॉब्लम एक्चुअली हो सकता है, वो प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुई है, उसका जड़ क्या है. तो हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं, इशू क्या है, ऐसा क्यों हुआ है. ठीक है, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. दिस अगेन यू ऑल नो, हम अगेन कोई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं टू सॉल्व आर प्रॉब्लम. तो दीज आर सर्टेन अदर मेथड्स. आई जस्ट नीड 5 मोर मिनट्स. ठीक है, ऑब्स्टेकल्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कई बार. ऑब्स्टेकल्स इन इफेक्टिव प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो दीज आर देर आर 3 ऑब्स्टेकल्स. वन इज कन्फर्मेशन बायस, मेंटल सेट्स एंड फंक्शनल फिक्सेडनेस. नाउ कन्फर्मेशन बायस हम सब डिस्कस कर चुके हैं, दिस यू ऑल नो. ठीक है, कन्फर्मेशन बायस में हम क्या करते हैं, अपने ही बिलीफ को कन्फर्म करते रहते हैं, राइट? तो वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है. ठीक है, मेंटल सेट में क्या होता है, हमारा ना एक मेंटल पिक्चर बना रखा है हमने दिमाग में अपनी बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे. ठीक है, तो हमें लगता है वो चीज ऐसे ही सॉल्व होगी. फॉर एग्जाम्पल वो जो डोर पे पुश और पुल लिखा होता है ना, कभी कभी वो पता नहीं चलता है पुश करना है कि पुल करना है. जब भी वो डोर आता है बच्चा उसको पुश करने की कोशिश करता है, सोचता है ऐसे खुल जाएगा, बट कभी कभी उसको पुल करना बहुत पड़ता है तभी वो खुलता है ना. मेरे होती है ना साथ ये हो इशू. जाता है मैम ये बिल्कुल. अदर एग्जाम्पल इज दीज, ये गेम खेलिए, वो डॉट्स देते हैं और बोलते हैं इनको बिना उठाए आपको 4 लाइन में इनको जोड़ना है. ठीक है, ये सारे लाइन सारे डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए लेकिन 4 लाइन आपको बनानी है इतना. तो दिस वॉज अ गेम. ठीक है, तो अब क्या होता है, हम ये कर ही नहीं पाते हैं सॉल्व. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पिक्चर सेट है कि ये डॉट स्क्वायर बना रही है और हम इसको ऐसे ही करेंगे तो ये एक डॉट तो लेकिन रह जाएगी. हम सोच ही नहीं पाते हैं अपने माइंड के अगेंस्ट कि ये हम नीचे भी जा सकते हैं. ठीक है, यस सर. देन वी हैव फंक्शनल फिक्सेडनेस. इसका मतलब है किसी चीज के फंक्शन को हम फिक्स कर लें दिमाग में, ये चीज ऐसे यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क दिया जाता है, आपको ये कैंडल वॉल पे लगानी है. ठीक है, और आपके पास क्या है, ये बुलेटिन, ये पिन है, ये कैंडल है, ये मैचस्टिक रखी है, और आपको इस कैंडल को बोर्ड पे लगाना है या वॉल पे लगाना है. ठीक है, दिस इज योर टास्क. अब सॉल्विंग मैम दिस ये दो प्रॉब्लम, टॉपिक है, फंक्शनल फिक्सेडनेस. ये प्रॉब्लम का ही फंक्शनल फिक्सेडनेस पढ़ रहे हैं ना. प्रॉब्लम ओके ओके में क्या क्या परेशानियां आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त, हाँ. हम कभी कभी मेंटली लिंग्विस्टिक स्टक के हो बाद जाते हैं. अभी ये फिर फंक्शनल फिक्स मेंटल, फिक्सेडनेस. हमने मेंटल सेट पढ़ा, मेंटल सेट के बाद हम फंक्शनल फिक्सेडनेस पढ़ रहे हैं. हम कभी कभी ना यहाँ से फिक्स हो जाते हैं किसी चीज का एक ही काम है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रबर बैंड होता है हाथ में, है ना, आप रबर बैंड सोचते हो बाल बांधने के लिए है, लेकिन कभी कभी आप रबर बैंड किचन में कुछ खुले हुए रैपर्स को भी बांधने के लिए यूज करते हो, राइट? राइट तो मैम. वहां पे फंक्शनल फिक्सेडनेस नहीं है, मतलब नहीं है. बट अगर आपको समझ ही नहीं आया अरे मैं कैसे वो खाली रैपर पड़ा है, और आपको ये भी समझ ना आए कि आपके पास तो रबर बैंड भी है उससे भी कर सकते हो, वहां फंक्शनल फिक्सेडनेस है. मतलब एक चीज का आपने एक ही यूज असाइन कर रखा है तो अपने दिमाग में. ठीक है, तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल इसके लिए ना. कैंडल काउंटिंग प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है फंक्शनल फिक्सेडनेस का. तो किसी को समझ ही नहीं आता है मैं कैंडल को वॉल पे कैसे लगाऊं. अगर फंक्शनल फिक्सेडनेस होता है ना तो हमें समझ नहीं आएगा कैंडल कैसे लगानी है. लेकिन जिसके दिमाग में ये नहीं होगा वो क्या करेगा, माचिस के डब्बे को खाली करेगा,
मैक्स मैच बॉक्स को वॉल पे लगाएगा पिन से और उस मैच बॉक्स के अंदर कैंडल को रख देगा. दिस द पिक्चर यू कैन सी ना हियर, दिस इज रिजॉल्वड फंक्शनल फिक्सेडनेस. यहाँ पे फंक्शनल फिक्सेडनेस नहीं है तो कैंडल माउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. क्लियर है ये? यस मैम. कंफर्मेशन बायस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से. तो जब हम कंफर्मेशन बायस करते हैं, अपने बिलीफ को बार बार अश्योर करते हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम सही चीज को इग्नोर कर सकते हैं, अपने बिलीफ से जो मैच होता है सिर्फ उसी को एंटरटेन करते हैं, तो उससे एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती. ठीक है, दिस इज अनदर ऑब्स्टेकल. दिस यू ऑल नो कंफर्मेशन बायस आई गेस. दिस वॉज इट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग. Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. So I guess this ma'am, was it for today's class, huh? Ma'am, confirmation bias is concept ko ek web series mein bhi bahut acche se bataya hai. Achha. Which criminal one? Justice. Star. Criminal? Justice. Hotstar pe. Achha. Achha, achha. Adhura uh-huh. Sach. Third season. Usme. ओके अच्छा. आई हैवंट वॉच येट. हाँ रिसेंटली वॉच किया तो लाइक वो कंफर्मेशन बायस तो वैसे भी पढ़ा था पहले बट वही उसमें काफी अच्छे से बताया है हाउ इट वाज लाइक एन ऑब्स्टेकल इन फाइंडिंग जस्टिस फॉर द पर्सन. ओके ग्रेट. मतलब अभी अप्लाई कर पा रहे हो लर्निंग को सिंपली दैट. यस मैम. So that's good. So this was it for today.